हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल पक्षी जानकारी दोस्त। नीट से रिगार्डिंग कुछ लेटेस्ट अपडेट आ रही है। अपडेट देने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का मेंबर बनिए। मैं अपडेट समय समय प्रोवाइड कराता रहूँगा दोस्त। फाइनली क्या अपडेट है, आइए आपको पढ़ के बता देता हूँ दोस्त। जैसा आप देख रहे हैं, नीट 2021 नीट में विशेष काउंसलिंग पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत। जी हाँ साथियों, आप सही सुन रहे हैं। जो नीट 2021 में काउंसलिंग के दौरान जो कुछ सीटें रिक्त रह गई थी, छूट गई थी, उसको काउंसलिंग के लिए जो स्टूडेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट में अयल डाला था कि उस सीट को भरने के लिए एक स्पेशल स्टे राउंड काउंसलिंग की जाए, तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया। पूरी न्यूज़ क्या है आइए आपको पढ़ के बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को नीट 2021 में अखिल भारतीय कोटा के तहत रिक्त मेडिकल सीटों को भरने के लिए स्पेशल स्टे राउंड काउंसलिंग की मांग करने वाली याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया। न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की अवकाश पीठ ने उम्मीदवारों की ओर से पेश हुए वकील को याचिका की एक प्रति चिकित्सा परामर्श समिति यानी MCC, राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड और केंद्र को देने को कहा है। मामले की सुनवाई अब 8 जून को होगी। तो साथियों, नीट 2021 जो सीट खाली रह गई थी उसके लिए एक बड़ी अपडेट है। और रही बात नीट 2022 पोस्टपोन को लेकर, तो फाइनली पोस्टपोन को लेकर आज बहुत सारे स्टूडेंट्स एक बार फिर शाम में ट्विटर पर कैंपेन चला रहे हैं, तो आप उनका सपोर्ट करिए। और चाहते हैं नीट 2022 का एग्ज़ाम पोस्टपोन है या ना हो, कमेंट बॉक्स में बताइए। और वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर इस चैनल के मेंबर बनिए। थैंक्स फॉर